बात नहीं, नशा पत्ता में मुगति निकल गई, माफ कर दो पार्वती। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी बात क्यों कही? क्या होश नहीं? कहने लगे तो सुन, क्या मर्यादा में नहीं रहती, क्या मर्यादा में नहीं रहती, इज्जत प्यार में नहीं समझती, इज्जत प्यार में न समझती। अरे क्या समझ रखो क्या मोई, ओ मोई ऐसी क्या बात लगी मेरी। मैं मुंह में से अच्छी बात निकल गई, भाई जी तो नाराज रह गई। शंकर भगवान पूछने लगे, कोई बात नहीं, अरे हाँ भूल हो गई, रो ना पार्वती। पार्वती और एकदम से सिर पे चढ़ी गई, क्या बोली? ऐसा तुमने कैसे सोचा, तुमने कैसे सोचा, मुझसे वचन कहो क्यों ओछा, मुझसे वचन कहो क्यों ओछा। मर जाऊंगी स्वामी, मर जाऊंगी, ऐसे वचन न सुनूंगी। ना, अरे पार्वती भूल से मेरे मुंह में से निकल गई, हमें माफ करो। ये जगह में है मौसम कोई, ओ कोई ऐसी क्या बात लगी मेरी। हमें तंग न करो, देखो हम नशा में थे और भूल से हमसे गलत बात निकल गई, माफ करो पार्वती। पार्वती ने दुखित मन भारी कियो संताप, हे स्वामी क्यों चढ़ा रहे सो मेरे सी सब पाप। ओ स्वामी, ये तुमने पाप मेरे सिर पे चढ़ा दिया। शंकर भगवान इधर उधर आके फिरने लगे, कहने लगे भूल तो हमसे हो गई, लेकिन सुनो पार्वती, हमने तुम्हारे लिए ये शब्द थोड़ी बोले, हम हर स्त्री के बारे में बता रहे हैं कि हमेशा पीहर में बड़े मर्यादा के साथ रहना चाहिए, पीहर में कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कहूं इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, ऐसी बात बता रहे। तो हम हर स्त्री के लिए बता रहे, तुम्हारे लिए थोड़ी बता रहे, तुम नाराज हो गए। अब एकदम से पार्वती के लगी, अब तो बात की सफाई कर रहे, ये बात ना है, बात तो तुमने बिल्कुल हकीकत मेरे लिए बोली। क्या बोली? ए सौगंध पिताय और मात, न बिगड़े बात सुनो चितलाई, मर्यादा की रीत रे न दूंगी कभी विसाई।
माता पिता की किस्म खाती हूँ। तुम जो शब्द बोल रहे हैं मैं इनसे कभी नहीं टलूंगी, अटल रहूंगी। और स्वामी तुम्हें खूब अच्छी प्रकार से मालूम है मैंने कितनी तपस्या करी जब तुम जैसे पति पाए। कभी हम जैसी सती की बुद्धि टल सकती है? ध्यान तो कर लो कछु। बड़े खुश होंगे मिल के रे तुम से रे पिता और भाई। हाँ जवाब दो। अरे स्वामी तो सुनो, तुम्हें हमारा विश्वास ना दे तो हमारे संग चलो। और सुनो पिया, अगर हमारे माता पिता भाई तुम्हें देख के बड़े प्रसन्न होंगे कि आइए आज तुम्हारे दामाद आए हैं, तो हमारे भाई साहब कहेंगे हमारे जीजा जी आए। शंकर भगवान कहने लगे सो हम कहू ना जा रहे, तुम बेशक चली जाओ। श्रोताओं भाव काए तुम्हें? अरे तनी बात सुनी जब भाई। रामवीर भैया ससुरार के नाम से तो यार हमेशा ससुरार हर इंसान को बड़ी प्यार हुआ करती है। इतनी बात सुनी जब भाई बोला कहना लगे समझाई। पार्वती तुम चली जाओ और देखो यहाँ सुनो घर रह जाओ, जो बात अच्छी नहीं घर पे तो कहू न कहू होना चाहिए, इसलिए तुम चली जाओ मैं तो यहीं रहूंगा। सो भैया रामवीर भाव का चल गई सैल कुमार के आज्ञा शिव जी। चली गई तो बाद में भोलानाथ तैयार होने लगे और मन में सोचने लगे अब पार्वती परीक्षा मुझे अवश्य करनी है। और आमिर भैया सजने लगे भोला कैसे। के भोला बने गए मोची, के भोला बने गए मोची चले ससुरार ले उछड़िया। ए भोला भोला बन गई थी मोची चले लेके संग मुछड़िया।
चढ़िया हाथ में ले ले, गंगा झोली लटका ले, और शंकर भगवान के लगे ससुरार में अब जा रूप से ना जानो, पार्वती की परीक्षा करनी है तो अब तो रूप और ही बना के चलना। झोला जरूरी ले लटकाई डमरू झोला पकड़ी के लतर लोगी, ए पकड़ी के लतर लोगी, चले ले मेरे मुचड़िया। मुचड़िया ऐसी सुंदर बनाए के संग में ले गए, आय हाय जब दुनिया की नजर पड़े। आगे चल के क्या भाव सुनो, अरे सिर से गंगा नाथ उतारी, भैया रामवीर सिर से गंगा नाथ उतारी, सज दई भाया जुत पुरारी, ए दिल में ना दिल में ना तन कौ सोची लेके चल गए मुचड़िया। इस प्रकार से मोची बने मुचड़िया को हाथ में लिए हुए शंकर आगे बढ़े हैं, और भैया ससुरार से नजदीक पहुंच के डेरा डाल गए। खर हमीर का भाव, सखिया मेला में घूम रही हती, सो का भाव, सखी कहे ओ मोची सुनी, कहा मोल देव सुनाई, सुंदर एक मुचड़िया को दीजे आपो गहाई। सखी ने जवाब दो, हे प्रभु, ए मोची हाँ कहो क्या बात है, या मुचड़िया ही क्या कीमत है, एक हमें दे दे। शंकर भगवान हंस गए, अरे सुनो मुचड़िया की कीमत वैसे कुछ नहीं और बहुत है। अरे यू कुछ सवाल होगा कि इसका कीमत कुछ नहीं और बहुत है, सुनो पैसा तो एक भी नहीं लेकिन वैसे मोल बहुत है। वो कैसे, ए सुने सखीने के बेन, बढ़िया हो आगे इधर आओ ना पास, कान में गहू और चक्की के जाए की मजा है। हाँ 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 बताओ।